अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको हम थोड़ा सा ब्राउन कलर का कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूँगी 1/2 kg। चिकन को भी हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बिरयानी का मसाला 2 टेबलस्पून और इसी के साथ टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और अब हमने इस मसाले को इतना भूनना है कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। टमाटर यहाँ पर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आलू। और आलू को भी हमने 1 से 2 मिनट तक भून लेना है मसाले के साथ। तो आलू को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लिया है। और अब इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी शामिल करूंगी क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो कर रख दिया है। तो अब इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, ऊपर से इसे कवर कर देंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी। और चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब इनका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। चावल का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है, अब इसके अंदर मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ और इसे दम पर रखेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हमारा चिकन पुलाव यहाँ पर बन चुका है। तो चलें इसको हम एक निकाल लेते हैं एक डिश के अंदर। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा हमारा चिकन पुलाव बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।